फिर गुड़गांव के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो देख लेना प्रॉपर, ठीक है। इसी कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, क्या इसमें पढ़ाई अच्छी होती है, न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस ना भाई, टीचर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत खतरनाक है, क्या इसमें क्यूट लड़कियां हैं और स्मार्ट लड़के हैं, इसके अंदर हॉस्टल और पीजी का कुछ सिस्टम है, क्या इसके अंदर अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं। सो हेलो, प्रणाम, जय श्री राम। तो भाई क्या हाल चाल सभी के। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि गुड़गांव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर गुड़गांव के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक बार ये वीडियो देख लेना प्रॉपर, ठीक है। इसके अंदर हम बताएंगे कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कैसी है, उसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे नहीं हैं और क्या वहाँ क्यूट क्यूट लड़कियाँ हैं या नहीं है, जिसका बहुत लॉन्ड लोग तो भाई बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है कि भाई क्यूट लड़कियाँ दिख जाए बस कहीं भी और हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए। बट तुम्हारा भाई सिंगल है तो समझ सकते हो भाई, तुम्हारा पत्ता शायद बन सकता है, हमारे बन जाते लेकिन हमारे कुछ थे कुछ कारण भाई अपने खुद के, तो ये सब छोड़ते हैं। तो भाई ये रही नोटबुक जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट मुझे भाई 2 से 2.5 साल हो चुके हैं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो मैं बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसी बातें बताऊँगा जो तुम्हें शायद कहीं से पता भी नहीं चलेगी, बहुत सही कॉलेज है, DPG DSD और PG भाई मैं शर्त लगा रहा हूँ इससे बेटर कॉलेज यही है। और एक चीज़ और मेरे को ये बताना कि भाई क्या तुम्हें जानना है कि कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, अगर ये सब चीज़ जाननी है छोटे से वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत ना है, ऐसा ना कि व्यूज़ के लिए कुछ भी कर दिया ऐसा तुम्हारा भाई ऐसा ना करता, सिंपल एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा अगर तुम कहोगे तो, ठीक है। और जो है पता है वो शाम समझदार है तो समझदार है ही, ठीक है। तो ये बात तो बाद की होगी, तो अभी बात करते हैं कि क्या GU अच्छा है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई क्या इसमें पढ़ाई अच्छी होती है, तो मेरे भाई इसके अंदर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है क्योंकि मैं मैनेजमेंट में पढ़ता हूँ, मतलब मेरी BBA कोर्स है, ठीक है, MBA प्लस BBA। तो भाई मेरे जो टीचर्स हैं ना भाई वो इतने हेल्पफुल हैं कि मतलब हर टीचर ये चाहता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो इंटरनली डेवलप्ड हो, इसके अंदर स्किल्स आए, मतलब वो चीज़ें सीखे, ये नहीं है कि आया लेक्चर दिया और चला गया, ऐसे टीचर्स भाई बिल्कुल भी नहीं है मेरे, हमारे तो नहीं है मैनेजमेंट के, बाकी कोर्सेज का मैं कह नहीं सकता और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे टीचर्स होंगे भी नहीं यार, हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत ठीक है यार, और हर टीचर अच्छा है अपनी अपनी जगह पे, अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो तुम पढ़ लोगे सही बताऊँ तो। और एक चीज़ लिख कर दे सकता हूँ, DPG DSD और PG इन 300 बेस्ट पढ़ाई हमारे कॉलेज में होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस, यार ओल्ड कैंपस की माँ कसम बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि वहाँ पे ना हर एक चीज़ है भाई, वहाँ इतना ज़्यादा स्कोप है, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे तो, कि तुम कुछ भी कर सकते हो वहाँ, ठीक है, खेलना कूदना शॉपिंग खाना मतलब घूमने की फिरने की जगह दुनिया भर की है ओल्ड कैंपस के वहाँ पे। और जो न्यू कैंपस है ना भाई वो हमारे लिए जेल है और वो हमारे लिए ही रहेगा, अभी फ़िलहाल वो कैंपस बना नहीं है, जिसने मेरी वीडियोज नहीं देखी वो देख सकता है कि ओल्ड कैंपस कैसा है और न्यू कैंपस कैसा है। न्यू कैंपस के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस एक दो मॉल है लेकिन वो भी थोड़े थोड़े दूर है, 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर। खुद के अकॉर्डिंग बताऊँ तो भाई ओल्ड कैंपस बेस्ट है, न्यू कैंपस भी ठीक ठाक है, और न्यू कैंपस में सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो कि मैनेजमेंट के हैं कॉमर्स के हैं, ठीक है, तो बाकियों को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुम तो ओल्ड कैंपस में जाओगे तो अपना देख लेना कि तुम्हें आना नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई टीचर्स का, क्या टीचर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, और अगर नहीं भी होते तो भाई 1-2 दिन में हो जाते रहे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सेमेस्टर ऐसे चला जाएगा और कोई पढ़ाने नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम्हें टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। एक और क्वेश्चन है भाई री बहुत ज़्यादा आती है, तो री का तो ऐसा है कि भाई नए नए बच्चे जाते हैं, किसी को नहीं पता होता कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, तो उनकी री आ जाती है, जिनको पता होता है जो ट्यूशन वगैरह लेते होते हैं जिनके बड़े भाई बहन होते हैं वो बता देते हैं कि भाई कैसे पेपर अटेम्प्ट करो, तो री नहीं आती, सिंपल सा जवाब है इसका, तो बाकी री आती है थोड़ी बहुत तो आती है यार, ताकि बच्चे पढ़ ले, इसलिए आती है और री आनी भी चाहिए, जिसको ये प्रसाद नहीं मिला ना वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो री आना ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन है भाई लड़ाई, 0% लड़ाई होती है भाई, 0%, अगर तुम DPG में चले गए ना और PG में चले गए तो तुम्हारा सर फूट फाट खा जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैठे हैं भाई एक तो खपीटर बालक, लेकिन PG में ना हमारे कॉलेज में ऐसा ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या PG और DSD और DPG अच्छा है इससे, भाई मेरे हिसाब से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गवर्नमेंट है सेमी गवर्नमेंट है, भाई सेमी गवर्नमेंट है, ऐसा ना है, फीस भी ज़्यादा है यार, एक बात ये मेरे को चीज़ थोड़ी सी खलती है अपने कॉलेज की, इस साल तो बढ़ रही थी भाई, मतलब हर साल बढ़ती है फीस, पता नहीं क्यों क्या फंडा है, बट अगर तुम देख रहे हो कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो तुम देख सकते हो भाई कि तुम्हें एडमिशन लेना नहीं लेना, बाकी तुम्हारे कोर्स पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो और
क्या वो कोर्स दूसरे कॉलेज से कम है या ज़्यादा है, वो तुम्हारे बजट के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत खतरनाक है, क्या इसमें क्यूट लड़कियां हैं और स्मार्ट लड़के हैं? तो इसका जवाब भाई कुछ कुछ क्यूट हैं, बट क्यूट है तो कमिटेड भी होगी, और स्मार्ट लड़के तो दुनिया भर के पड़े हैं लेकिन सारे सिंगल पड़े हैं, तो लड़कियों के लिए ऑल द बेस्ट, तुम पटा सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फैकल्टी, फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी ठीक है, इससे तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक ठाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्या इसके अंदर हॉस्टल और पीजी का कुछ सिस्टम है? हॉस्टल बनने वाला जो न्यू कैंपस आ रहा है ना उसमें, वो तो भाई बहुत सेक्सी है, बहुत नेक्स्ट लेवल का कॉलेज बनने वाला है। एंड पीजी की बात करो भाई, पीजी है, दुनिया भर के पीजी पड़े हैं, गुड़गांव में तुम आओगे ना तुम तुम्हें पीजी ही दिखेंगे हर जगह भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसके अंदर अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं मतलब हायर करने के लिए बंदों को? बस वर्ड को बोल रहा हूँ भाई, मेरे को समझ में आ रहा है, बहुत देर से याद कर रहा हूँ बट समझ में आ रहा है, और मैं कैमरा ऑफ नहीं कर सकता, अगर कैमरा ऑफ कर दिया तो मैं तुम्हारी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो सिंपल जवाब देते हैं, क्या इसके अंदर अच्छी अच्छी कंपनीज आती है? भाई नहीं आती, इसके भरोसे रहने देना कि अगर तुम इसके भरोसे आ रहे हो कि क्या मतलब अच्छा कॉलेज है, जीओ यूनिवर्सिटी है, तो बड़े बड़े वो आते कंपनीज प्लीज़ आते होंगे बंदों को हायर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बस ये चीज़ बेकार है भाई कॉलेज की, बाकी सब कुछ बढ़िया है, बाकी तुम देख सकते हो, तुम आना नहीं आना ठीक है। कुछ राज की बातें जो हमारे हर बच्चा अलग अलग बोलता है कि भाई ऐसा है वैसा है। इसके अंदर पहला एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि भाई रिजल्ट लेट आता है। मेरे भाई रिजल्ट की पहले रिजल्ट लेट आता है, अब नहीं आता, मतलब इस जब जो हमने एग्जाम दिए थे ना भाई उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, हम भी खुद हैरान हो गए थे कि इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ गया, तो मेरे हिसाब से क्या पता जल्दी आए हर बार। तो भाई यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा ठीक है। और किसी को कुछ भी क्वेश्चन था भाई वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और एक चीज़ मेरे को बताना, क्या एडमिशन प्रोसेस के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और बता ही देता हूँ। चलो एडमिशन भाई हमेशा ओपन होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि कब एडमिशन ओपन हो रहे हैं, और अपना फॉर्म वॉर्म भर देना, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो मैं बता दूंगा अगर तुम बोलोगे तो ठीक है, और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो तुम इजीली अपना देख सकते हो कर सकते हो। तो ठीक है, इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, एंड किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके जाना ठीक है। टाटा बाय।